ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की कक्षा संख्या 37 को आज हम पढ़ेंगे। 37 को 36 कक्षाओं को पढ़ा दिया है। जो कोई भी पाठक महानुभाव चैनल पर नए जुड़ते हैं तो और संस्कृत भाषा को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो उन सभी पाठकों से निवेदन है कि इस कक्षा को पढ़ने से पूर्व आप इस श्रृंखला को आरंभ से पढ़ें। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स, जीरो लेवल से संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए है। तो उस पर क्लिक करके आप पीछे की कक्षाओं को सभी को क्रमानुसार पढ़िएगा और 3 माह में शुद्ध धारा प्रवाह संस्कृत का लेखन तथा संभाषण एवं पुस्तकों को पढ़ करके समझना सीखिएगा। चलिएगा, ये हो गया मित्रों 37वीं कक्षा है। और गत कक्षा में मैंने आपको 6वें अभ्यास का गृह कार्य दिया था, ठीक है। एक गृह कार्य दिया था, संस्कृत बनाओ। आपने बनाई होगी, बनानी चाहिए, बनाएंगे, होमवर्क करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये 24 वाक्य थे, इनको आपको मिलान करना है। आपने जो लिखा है कॉपी को खोल लीजिएगा और पेन को हाथ में ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं गलती आपको लगती है तो उसको करेक्शन करते जाइएगा, ठीक है। चलिएगा मित्रों, मिलान कीजिएगा। मिलान करने से पहले छोटी सी सूचना और आपको दे रहा हूं, यह कक्षा संबंधी षष्ठः अभ्यासः। षष्ठा माने छठवां, सिक्स्थ अभ्यासः माने अभ्यास। यहां ये है, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बता दिया था, साह और सा, सह का अर्थ वो होता है पुल्लिंग में, तो जब आप सह भी लिख सकते हैं स भी लिख सकते हैं। इसका नियम ये है कि इस सह के आगे कोई शब्द आ रहा है, उस शब्द का प्रथम अक्षर आदि अक्षर यदि ह्रस्व आकार नहीं है तो आप विसर्ग का लोप करके भी लिख सकते हैं, विसर्ग सहित भी लिख सकते हैं। और आगे यदि आ रहा है, आगे आने वाला जो शब्द है उसका प्रथम अक्षर आ है, तो आप विसर्ग का लोप नहीं कर सकते हैं, तो आपको विसर्ग सहित ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ह्रस्व अ को छोड़कर अन्य किसी वर्ण के आगे आने पर विसर्ग को हटाकर भी लिख सकते हैं और विसर्ग के सहित भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, मिलान कीजिएगा। का एक, सा पुस्तकम पठतु। दो, सा ग्रामम गच्छतु। तीन, सा फलम
खादतु। चार सा पत्रम स्पृशतु। पांच सा पुष्पम इच्छतु। छह सा पत्रम लिखतु। सात खमे सातमा चालू हो रहा है। त्वम ज्ञानम धनम च इच्छा। आठ त्वम अत्र आगच्छ। नौ त्वम तत्र गच्छ। दश त्वम असत्यम न वाद। ग्यारह त्वम सत्यम वाद। बारह त्वम भोजनम पाच। तेरह त्वम सज्जनम न तूद। चौदह त्वम गृहं प्राविश। ये आपका हो गया ख हो गया, ग में आ जाइएगा। ग पंद्रह अहम प्रश्नम पृच्छानि। सोलह अहम विद्यां पठानि। सत्रह अहम पत्रम लिखानि। अठारह अहम पुस्तकम इच्छानि। उन्नीस अहम पुष्पम स्पृशानि। घ बीस नगरम अभितः जलम अस्ति। इक्कीस ग्रामम परितः वनम अस्ति। मिलाकर के भी लिख सकते हैं, जैसे यहां लिखा है वनम अस्ति लिख सकते हैं, वनम अस्ति भी लिख सकते हैं, समान। 22 गृहं प्रति गच्छ। 23 दुर्जनम दिक्। 24 विद्यां विना ज्ञानं न भावति। ये 24 वाक्य हो गए। अब इसके बाद में आपको यहां पर और दूसरा गृह कार्य दिया था कि क ख ग को बहुवचन में बदलो। इसमें जो क ख ग के थे आपके यहां तक थे 19 वाक्य तक, इनको आपको क्या करना है बहुवचन में बदलना है। तो चलिएगा उनका भी मिलान कीजिएगा। चलिए तो बहुवचने, बहुवचने माने बहुवचन में, ठीक है, का विभाग। और ये ध्यान रखेंगे आप मुख्य रूप से जो बहुवचन का नियम आपको लगाना है वो कर्ता और क्रिया में लगाना है। बीच में जो कर्म है उनमें आप एक वचन भी कर सकते हैं, द्विवचन भी कर सकते हैं, बहुवचन भी कर सकते हैं, ठीक है, सही वाक्य माना जाएगा आपका। आइएगा एक का एक ए पुस्तकानि पठन्तु। अब आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं पुस्तकम, तो भी सही हो जाएगा। बहुवचन का रखना है ते और पठन्तु, यहां पर बहुवचन कर देंगे तो अच्छी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बहुवचन भी वे सभी लोग पुस्तकों को पढ़े, अथवा ते पुस्तकम पठन्तु वे सब एक पुस्तक को पढ़े, ऐसा भी हो सकता है। तो मुख्य रूप से कर्ता और क्रिया को बहुवचन बनाना है, ये बता दिया था मैंने। दो ते ग्रामान गच्छन्तु, अथवा ग्रामान की जगह ग्रामम भी कर सकते हैं आप, दोनों सही है। तीन ते फलानी खादंतु,
तो यहाँ पर तो फलानी लगेगा, जो बहुत से बहुत लोग हैं तो एक फल को कैसे खाएंगे, बहुत सारे फल ही खाएंगे। चार, ते पत्राणी स्पृशंतु। पांच, ते पुष्पाणी इच्छन्तु। छह, ते पत्राणी लिखन्तु। ये का हो गया आपका, आप खाने आ जाइएगा। बाहु वचने, यहां गलत हो रहा है, ये वा वा ये वा है, ठीक है। बाहु वचने खा, खा विभाग। सात, यूयम ज्ञानानी धनानी चा इच्छाता। अब यहां पर भी आप एक वचन और एक वचन लगा सकते हैं, बहुवचन भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहां पर बहुवचन लगाना मुख्य रूप से। आठ, यूयम अत्र आगच्छत। आगे चलिए। नौ, यूयम तत्र गच्छत। दश, यूयम असत्यम न वादाता। वैसे सबसे अच्छा तो असत्यम या एक वचन ही रहेगा, परंतु यदि आपने बहुवचन भी लगा दिया है तो भी गलत नहीं है, सही माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पर एक वचन लिखेंगे तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, अच्छा है। ग्यारह, यूयम सत्यम वादाता, अथवा सत्यानी भी कर सकते हैं इसके जगह, ठीक है, चलिएगा। बारह, यूयम भोजनानी पाचाता। तो यहां पर आप भोजन भी कर, भोजनम भी कर सकते हैं एक वचन। तेरह, यूयम सज्जनान न तोदाता। तो ऐसे यहां पर भी सज्जनम कर सकते हैं आप एक वचन, या मैंने बहुवचन कर दिया, या एक वचन भी कर सकते हैं। चौदह, यूयम गृहाणी प्रावेशाता। यहां पर भी आप एक वचन कर सकते हैं, गृहम ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, खा हो गया, आप गा में आ जाइएगा। पंद्रह, वयम प्रश्नान पृच्छामा। बोला वयम विद्याम पठामा, ठीक है, अथवा विद्याम की जगह बहुवचन कर सकते हैं, विद्या, द्वितीय बहुवचन में विद्या बनता है, ठीक है। सत्रह, वयम पत्राणी लिखामा। अठारह, वयम पुस्तकानि इच्छामा। 19, वयम पुष्पाणि प्रिशाम। चलिएगा, ये मित्रों आपके मेरे 19 वाक्य थे, वो मिलान करा दिए। अब आगे रिक्त स्थान पूर्ति, खाली स्थान भरो, उसको आपने अपने अनुसार भरा होगा, मैंने अपने अनुसार भरा है, आपको मिलान नहीं करना, बस देख लेना है, बस आपने अपना इसके अकॉर्डिंग आपका भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है ये, आप इससे इस नियम के अनुसार आप ऐसा करें, ठीक है। नगरम अभिताहा जालम, तो मैं नगरम भरा हुआ है। विद्यालयम उभयताहा वनम। तीन, विद्यालयम परिताहा पुष्पाणि संति। दुष्टम भिक्क, त्वं वेदं पाठा, ठीक है। ये अब आपने कुछ इसके अलावा अगर विद्यालय की जगह आपने गृहम भी लिखा होगा, नगरम भी लिखा होगा, तो भी सही है, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान पूर्ति हो गया मित्रों। अब आपका ये छठवां अभ्यास कंप्लीट हो गया, छठवां अभ्यास कंप्लीट हो गया है। अब अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे हम
सातवा अभ्यास। ठीक है, तो चलिएगा, आपने मिलान किया है, मिलान जरूर करिए, कर कीजिएगा, गृह कार्य कीजिएगा। आइएगा एक सुभाषित को पढ़ते हैं, सुभाषित हम एक श्लोक को पढ़ेंगे, ऐसे बीच बीच में आपको हम अच्छे अच्छे श्लोकों का अर्थ करना भी सिखाएंगे, साथ साथ में आपको जैसे जैसे नियमों का ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे आपको बहुत बहुत सारी चीज बीच में लाएंगे। आज इसी कक्षा में आपके लिए एक सुंदर सुभाषितम लाया हूं। सुभाषितम का अर्थ होता है अच्छी बात को कहने वाले श्लोक आदि। ठीक है, आइएगा, एक श्लोक है सुभाषितम। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियामान पुरुषः स विद्वान् सुचिन्तितं च औषधमातुराणां न नाम मात्रेण करोत्यरोगम्। और सुंदर श्लोक है, पहले इसके अंदर शब्द देखते हैं, श्लोक में शब्द मिले हुए होते हैं, उनको तोड़ तोड़ के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या शब्द है। ठीक है, फिर अर्थ देखेंगे। इसके अंदर शब्द हैं, आप देखिएगा क्या शब्द हैं। पद विभाग माने शब्द, जैसे शास्त्राणी एक शब्द है, आदित्य एक शब्द है, अपि एक शब्द है, भवंती एक शब्द है, मूर्खाः एक शब्द है, याः एक शब्द है, तू क्रियावान, पुरुषाः साः विद्वान, सुचिन्तितं च औषधम् आतुराणां न नाम मात्रेण करोति अरोगम्। ठीक है, शास्त्राणी का अर्थ होता है, आप जानते हैं जैसे गृहाणी होता है, तो शास्त्र बहुत सारे शास्त्र, वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं, रामायण है, महाभारत आदि सभी शास्त्रों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आदित्य इसका अर्थ होता है पढ़ करके, क्या पढ़ करके ही आप आगे सीखेंगे, आदित्य माने पढ़ करके। अपि, अपि का अर्थ आपको पता ही है, भी। ठीक है, भवंती, भवंती का अर्थ भी मालूम है, होते हैं। मूर्खाः, ये राम के समान बहुवचन में प्रथमा व्यक्ति का, मूर्खाः मूर्ख लोग। यहा इसका अर्थ होता है जो, जो कोई पुरुष। तू, तू का अर्थ होता है तो। ठीक है, क्रियावान, क्रियावान का अर्थ होता है जो आचरण में लाता है, है? जो आचरण करता है उसको बोलते हैं क्रियावान। ठीक है, पुरुषाः, पुरुषा माने कोई भी मनुष्य, साहा माने वाह, विद्वान, विद्वान आप जानते हैं, विद्वान बोलते ही हम आपको विद्वान ही बना रहे हैं। सुचिंतितम, सुचिंतितम माने अच्छी प्रकार से चिंतन मनन किया हुआ कोई विषय। ठीक है, अर्थ होता है और, और ठीक है, औषधम, औषधम माने दवाई, क्या दवाई, औषधि, मेडिसिन। आतुराणाम, आतुराणाम का आतुर अर्थ होता है रोगी, तो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ रोगी बोलते हैं, जिसको अधिक रोग है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इमरजेंसी की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आतुराणाम माने रोगियों का, ना माने नहीं, नाम मात्रेण, नाम मात्रेण का अर्थ है यहां पर केवल ज्ञान मात्र से, क्या ज्ञान मात्र से। और करोति, करोति माने करता है,
अरोगम, अरोगम का अर्थ है उसको स्वस्थ, माने रोग से रहित, माने ठीक, ठीक है, ये शब्द का अर्थ हो गया। अब श्लोक का अर्थ है कि ध्यान दीजिएगा कि मूर्खाः, ठीक है, माने मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर के भी मूर्खाः भवन्ति, माने मूर्ख होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लेते हैं पर मूर्ख ही रहते हैं कभी की दृष्टि में मूर्ख रहते हैं, कैसे बताएंगे अभी, कि मनुष्य शास्त्रों को पढ़ करके भी मूर्ख होते हैं। कौन से मनुष्य मूर्ख होते हैं? कहते हैं यह तो क्रियावान पुरुषा सा विद्वान, कि जो मनुष्य शास्त्रों को पढ़ करके उसके अनुकूल उसके अनुसार आचरण करता है, जीवन को जीता है, वह व्यक्ति तो कौन होता है? यह तो क्रियावान, माने जो आचरण करने वाला है वो पुरुष तो क्या होता है? विद्वान होता है, विद्वान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग शास्त्रों को पढ़ करके उसके अनुसार जीवन नहीं जीते, ध्यान रखिए, वे कौन होते हैं? शास्त्रों को पढ़ करके भी मूर्ख होते हैं। दूसरों को उपदेश करते रहते हैं, पूरे दिन उपदेश देते रहते हैं और स्वयं उस उपदेश का 0/0 भी आचरण नहीं करते। तो ऐसे लोगों को कवि कहता है कि ऐसे पुरुष क्या होते हैं? मूर्ख। विद्वान कौन होता है? कहते हैं जो शास्त्रों को पढ़ करके आचरण में लाता है उनकी बातों को, वो विद्वान होता है। केवल शास्त्रों को बांच लेने से और तेजी तेजी से पढ़ते जाना, मंत्रों का उच्चारण करते जाना, इससे कोई भी विद्वान नहीं होता है, है? जब जो भी हम बोल रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, वो हमारी समझ में आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं शास्त्र, फिर उसके अनुकूल हम अपना जीवन जी रहे हैं, तब वो व्यक्ति क्या कहलाता है? विद्वान। और जो केवल रट्टा में लगे हुए हैं केवल, हैं, वो कवि की दृष्टि में कौन है? मूर्खाः, मूर्ख लोग हैं, अर्थात जो शास्त्रों को अपने जीवन में आचरण में नहीं लाते हैं। कहते हैं, एक उदाहरण देता है कवि, बहुत सुंदर उदाहरण देता है, कहता है ते सुचिंतितम औषधम आतुराणाम नाम मात्रेण आरोगम न करोति। इस प्रकार से जोड़ना होता है, आपको हम आगे अन्वय करना भी सिखाएंगे, अभी उतना आपका योग्यता नहीं है, ठीक है, कि जो बहुत अच्छी प्रकार से अनुसंधान की हुई, माने रोगियों के लिए अनुसंधान की गई, माने कोई दवाई जानता है, औषधि को जानता है, अच्छी औषधि को जानता है, परंतु जब तक रोगी उसका सेवन नहीं करेगा तब तक वो अच्छी औषधि भी कोई प्रभाव नहीं करेगी, कोई काम नहीं आएगी, नहीं आएगी। भाई आप कितने भी बड़े डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप दवाई जानते हैं अच्छी प्रकार से, आप नुस्खा जानते हैं, परंतु आपको कोई रोग हो गया या किसी व्यक्ति को रोग हो गया तो आप या वो व्यक्ति जब तक उस दवाई का सेवन नहीं करेगा तब तक वो दवाई कुछ भी नहीं करेगी। मनुष्य कष्ट से पीड़ित ही होता रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से शास्त्रों को पढ़ करके जो व्यक्ति शास्त्रों की बात को जीवन में नहीं अपनाता है, फिर कहता रहता है दुखी है दुखी है दुखी है, तो वो दुखी ही रहेगा। शास्त्रों को पढ़ लेने मात्र, जान लेने से
दुख दूर नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं, मंत्र पाठ कर लेने से दुख दूर नहीं होंगे। मंत्र क्या कहता है उसको आपको जीवन में अपनाना पड़ेगा, तभी हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सार ये निकल के आता है कि देखिएगा, जिस व्यक्ति ने केवल शास्त्रों का सैद्धांतिक अध्ययन किया है तथा ज्ञान को व्यावहारिक रूप नहीं दिया है वह वस्तुतः मूर्ख ही है। जो व्यक्ति क्रियावान है वही वास्तव में विद्वान है। औषधि के बारे में भली भांति विचार कर मात्र करने से रोग दूर नहीं होता है, अपितु औषधि का सेवन करने से ही रोग दूर होता है। तो मित्रों, हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, हम विद्वान तभी कहलाएंगे जब शास्त्रों की बात हमारे जीवन में ठीक है, दिखाई दे, हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जिए हैं। ठीक है, चलिएगा मित्रों, ये आपको एक श्लोक मैंने बताया, आइएगा इसको लिख भी सकते हैं, इस प्रकार के श्लोक ये इस पुस्तक के अंदर नहीं है। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यास्तु क्रियावान् सपुरुषः स विद्वान् सुचिन्तितं च औषधमातुराणां न मनाम मात्रेण करोत्यरोगम्। अब मित्रों मिलते हैं सातवें अभ्यास में, आगे आप सातवें अभ्यास को पढ़ने से पहले अपना पाठ देख लीजिएगा तो और आपको अच्छा समझ में आएगा। पुस्तक आपने अभी तक नहीं मंगाई है तो पुस्तक को भी मंगा लीजिएगा तो आपको इन कक्षाओं का अधिक लाभ मिलेगा। सर्वेभ्यो नमः।